हरे कृष्णा, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस सीरीज में, जहां हम सीखेंगे भगवद गीता के 108 इम्पोर्टेंट श्लोक, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 45, जो कुछ इस तरीके से है। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। ट्रांसलेशन: वेदों में मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वेतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो इस श्लोक में हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है हमारे वेदों में जो भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इस श्लोक में जो हमारी हेल्प करेंगे इस मटेरियल प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म की तरफ प्रोग्रेस करने में। तो आइए देखते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं त्रिगुण्या विषया वेदा। हमारे वैदिक कल्चर में बहुत सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण, लेकिन यहाँ पे भगवान स्पेसिफिकली वेद के बारे में बताते हैं, और वेदों में भी वेदों का विषय बताते हैं कि क्या है सब्जेक्ट मैटर हमारे वेदों का। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं त्रिगुण्या विषया वेदा, यानी कि जो हमारे वेद है उनका जो विषय है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है, वो है त्रिगुण, यानी कि 3 गुण और 3 क्वालिटीज। एंड ये 3 क्वालिटीज इस मटेरियल वर्ल्ड के हर एक चीज पर एप्लीकेबल होती है, भले वो चीज लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, हर एक चीज पे ये 3 क्वालिटीज हमेशा एप्लीकेबल होती है। एंड क्या नाम है उन 3 क्वालिटीज के? तो वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगर हम लिविंग एंटिटीज की बात करें, जैसे कि जीवात्माओं की, तो हर जीवात्मा में ये 3 गुण हमेशा होते हैं, और हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, वो इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बनते हैं। किसी व्यक्ति में सत्वगुण ज्यादा हो सकता है तो रजोगुण और तमोगुण कम होगा। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, तो जैसे मंकी है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, टाइगर्स, लायंस ये मोड ऑफ पैशन में रहते हैं, काऊ मोड ऑफ गुडनेस में रहती है। एंड अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल फूड, तो हमारा सात्विक फूड यानी कि कृष्ण प्रसादम, राजसिक फूड यानी कि जो स्पाइसी फूड होता है, तामसिक फूड यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड। तो इन कुछ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये 3 गुण इस मटेरियल वर्ल्ड में हर एक चीज को कवर करते हैं। आगे भगवान कहते हैं निस्त्री गुण्यो भव अर्जुन, मतलब हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को इन 3 गुणों से ऊपर, यानी कि इन 3 गुणों से बाहर निकलने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि ये जो 3 गुण है, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं, और हमारे जो भी एक्शंस होते हैं वो भी इन 3 गुणों के अंदर होते हैं, और उनके जो रिएक्शंस हैं वो भी हमें इन 3 गुणों के अंदर ही मिलते हैं। तो हम जितने एक्शंस करेंगे इन गुणों के अंदर, उतनी बार हमें वापस उनका रिएक्शन लेने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में बार बार रिपीटेड बर्थ एंड डेथ की साइकिल में आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें इन 3 गुणों को छोड़कर इनसे ऊपर आना है। थर्ड लाइन में भगवान समझाते हैं निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्थो। निर्द्वंद्वो यानी कि निर और द्वंद्वो, निर का मतलब नहीं और द्वंद्वो का मतलब डुअलिटी, जिससे ये मटेरियल वर्ल्ड पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे डे है तो नाइट है, डेथ है तो बर्थ है, और हैप्पीनेस है तो सोरो है। लेकिन इसके अगेंस्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे हर चीज एब्सोल्यूट है, वहाँ पे ना ही बर्थ है ना ही डेथ है, क्योंकि वहाँ पे जीवात्माएं रहती हैं, एंड जीवात्माओं का तो ना ही जन्म होता है ना ही मृत्यु, और ना ही उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई टेम्पररी हैप्पीनेस है या फिर टेम्पररी सोरो है। इनफैक्ट वहाँ तो इटर्नल हैप्पीनेस है। तो भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि निर्द्वंद्वो यानी कि इन सभी डुअलिटी से बाहर निकलो, और कहाँ पर जाना है?
नित्य सत्वस्तु, नित्य मतलब इटर्नली, सत्वस्तु यानी कि शुद्ध सत्व गुण, जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ प्योर गुडनेस। मोड ऑफ प्योर गुडनेस इन तीन मटेरियल गुणों से ऊपर आता है और एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होता है। तो भगवान यहाँ पे हमें समझाते हैं कि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड की सारी डुअलिटी से बाहर निकलकर खुद को मोड ऑफ प्योर गुडनेस में स्थित करना है, जो कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। और इस श्लोक की लास्ट लाइन में भगवान समझाते हैं, निर्योग क्षेम आत्मावान, निर्योग क्षेम। यहाँ पे योग का मतलब कोई योगा प्रोसेस नहीं, बल्कि एक ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताया गया है, जिसमें एक मनुष्य हमेशा एक ऐसी चीज के लिए हांकर करता है जो उसके पास नहीं है। और क्षेमा के बारे में बताया गया है, एक मनुष्य उस चीज को हमेशा सेव करने के पीछे लगा रहता है जो उसके पास है। तो हमें निर्योग क्षेमा बनना है, ना ही हमें एक ऐसी चीज के पीछे भागना है जो हमारे पास नहीं है, और ना ही हमें अननेसेसरी एफर्ट्स करने हैं एक ऐसी चीज को बचाने के लिए जो हमारे पास है। इनफैक्ट हमें क्या करना है, आत्मवान बनना है। आत्मवान का मतलब होता है आत्मा में स्थित, यानी कि बीइंग सिचुएटेड इन सेल्फ। हम हमेशा ये बोलते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, बट एक्चुअली में हम कितना इस बात को रियलाइज कर पाते हैं। तो भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि हमें ये अननेसेसरी हैंकरिंग या अननेसेसरी एंग्शियसनेस को छोड़कर आत्मावान बनना है, यानी कि ऐसे एक्टिविटीज करनी है जिससे हमारी आत्मा का नरिशमेंट हो, जिससे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी पता चल सके। तो हमारी आत्मा का नरिशमेंट हरे कृष्णा महामंत्र के जप से बेटर कौन कर सकता है। तो इसलिए आत्मावान बनने के लिए हमें हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहना चाहिए और हमें हमारी आत्मा के लेवल पे वर्क करना चाहिए। तो इस श्लोक में हमने जाना कि आखिर ऐसे कौन से वो तीन गुण हैं जो इस मटेरियल में हर चीज पर एप्लीकेबल होते हैं, और फिर हमने भगवान के इंस्ट्रक्शंस को समझा कि किस तरीके से हमें इन तीनों गुणों से बाहर निकलना है, खुद को एक शुद्ध सत्व गुण में यानी कि मोड ऑफ प्योर गुडनेस में एस्टैब्लिश करना है, आत्मवान बनना है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नॉट टू मिस एनी अपडेट।